जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो अरिहान नमो अर्जान नमो लोय सर्वसाहु नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्तु चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरचित। परमार्थ शरण पंडित साहब की एक रचना है, परमार्थ शरण। सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को इसका ज्ञान हो इसलिए चर्चा ले रहे हैं। आप लोग पाठ ले सकते हो, ग्रंथ में है परमार्थ शरण नाम से। अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा करके दुखदाई। अशरण, अशरण का मतलब तो समझते ही हो, कोई जगत तुम्हें शरण देने तैयार नहीं है। पापियों को कोई शरण देने तैयार नहीं, सब कोई तो शरण दे। हमारे पंडित साहब भोपाल वाले राजमजी साहब, वे कहते थे चार गति में 84 लाख योनियों में इस जीव की दशा फुटबॉल जैसी है। फुटबॉल समझते हो, यहां से लात पड़ती है, वहां से लात पड़ती है, जहां जाता है वहां लात पड़ती है। बिल्कुल फुटबॉल जैसी दशा है, जहां जाए वहीं लात खाए। चलो जिस शरण देने तैयार है तुम ले सकते हो, मान लो है शरण देने तैयार। टेलीविजन कहता हमारे पास हमेशा रहो, रह सकते हो। तो फिर कौन कौन कह रहा है कि आशरण है? तुम टेलीविजन देखने जाते हो, टेलीविजन तो नहीं भगाता, भग जाओ। फिर उसी में मन कहता खाने चले, चलो खाने चले जाओ, तो खाते ही रहो। तो खाते भी नहीं रह पाते, थाली में एक चीज फिर दूसरी चीज फिर तीसरी चीज चौथी चीज पांचवी चीज, उपयोग कितना भटकता है। सुनो, इसका मतलब है तुम्हें सच्ची शरण नहीं चाहिए, तुम्हें भटकने में अच्छा लगता है। जिन्हें नौकरी नहीं मिलती वे नौकरी के लिए भटकते हैं, जिन्हें नौकरी मिल जाती तो और अच्छी नौकरी के लिए भटकते हैं। एक भी आदमी ऐसा बता दो जो भटके नहीं। जिसकी शादी नहीं होती वो शादी के लिए भटकता है, शादी हो जाती है तो उससे बोर हो जाता है, जी नहीं उससे हो जाती, उससे नहीं उससे हो जाती, उससे नहीं उससे हो जाती। जगत कैसा है? अशरण शब्द क्या है? अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो इधर है, इधर माने तुम्हारे पास। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? ये ऐसा सब जो कभी खत्म ना हो तो हाँ है, ऐसा ज्ञान जो कभी कम ना हो कि हाँ है। बोलो तुम्हारे आत्मा में क्या नहीं, बोलो कि प्रभुता कि हाँ है, कि जैसे किसी की पराधीनता ना हो कि हाँ है। तुम्हें एक परमाणु मात्र नहीं चाहिए पड़ेगा सुखी होने के लिए, परिग्रह नहीं चाहिए पड़ेगा। अभी तुम्हारा सुख काय के बल पर है? बहुत खतरनाक सुख है तुम्हारा, खतरनाक सुख नहीं खतरनाक कल्पना है। तुम जिस सुख की ओर जाते हो वहां अनंत की शरण लो तब भी शरण नहीं मिले तो अभी सुखी नहीं होगी। पढ़ाई काय के लिए कर रहे? कमाई के लिए। कमाई काय के लिए कर रहे? शादी के लिए। शादी काय के लिए कर रहे? फिर एंडलेस, फिर बच्चे, फिर पत्नी, फिर वो क्या है, पैसा, फिर कपड़ा, दुकान, मकान, घर, ए वो, फिर इज्जत, फिर आबरू। बता दो कोई सुखी हो गया होता? ये ईगो के लिए दुखी। देखा है आपने,
पत्नी इसलिए नाराज हो गई पति से, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी थी और तुमने याद तक नहीं रखा, और सुबह उठते थे तुमने अनंत भगवान की तरह मुझे याद नहीं किया। परदेश में हो ना, परदेश भले परेशानी में हो, तो यहां से जब भी फोन होगा तो नाराजी का फोन, तुम काहे को याद करोगे। आज अपनी दिन से सुबह उठते थे हम कब से इंतजार कर रहे फोन का, जो इससे कोई मतलब नहीं हुआ तुम्हें संकट है कि नहीं। तो दृष्टांत दे रहा, लाखों चीज जोड़ो अब तो अभी कमी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जगत का नाम ही है असरण जग। यदि हम अभी कहें तो तुम वहां शरण मांगने गए जहां शरण नहीं देता कोई। एक चक्रवर्ती और भिखारियों के पास शरण लेने जाए, पहले पता नहीं भेंडिया कहीं चंबल से कोई खड़ा हुआ था, वो साधु था ना कोई साधु, एक साधु खड़ा हुआ था तो वोट मांगने गए गांव में, तो महिलाओं के पैर छू रहा हुआ साधु था वो, और महिलाओं के पैर छू रहा, माता जी हमारी नैया आपके ही सहारे हैं ऐसे, कि कोई साधु था चुनाव में खड़ा हुआ पैर छू के बोला हमारी नैया तुम्हारी सहारे है, अब आपके हाथ में। मैं वो ये तो कहना चाह रहा तुम वोट डालने वाले हो, ऐसा दे कहना। तो एक डुकरिया थी 70-80 साल की, वो बोली कहे रे साधु अब तक हमारी नैया तू तारत तो और तोरी नैया हम तारे, तो गांव की थी बिल्कुल ठेठ बोल दिया, कैसा लगा होगा बोला। अब कंप्यूटर बाबा नाम ही देखो कंप्यूटर बाबा, और कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए मिर्ची किया के किया उसने, और कह दिया यदि होगा तो मैं मर जाऊंगा। अब सब पूछ रहे कहो भाई कहां हो तुम, अरे कैसा अहंकार। अब पूरे टाइम शिवराज सिंह ने इसको कैबिनेट का दर्जा दे रखा था, साधु होने पर भी सुविधाएं दे रखी थी सब कुछ, इसके पीछे बदनामी उठाई और आखिरकार उसी तरफ चला गया, और फिर उनके पक्ष में काम कर, फिर ऐसे ओनी सीधी बातें करी, हम यज्ञ कर रहे हैं जीतेंगे। एक और कोई बाबा है उसे कहा हम समाधि ले लेंगे, अब पूछ रहे हैं लोग समाधि भैया कहां हो समाधि, हमारे मतलब कुछ दुखी है कि नहीं, कहीं सुखी नहीं। क्यों? जिसके पास मान कसा है वो कहीं सुखी नहीं। आपने देखा वो रिश्तेदारों में एक ही झगड़ा है मान कसाई का, ए उनने हमें रोटी खा भी तक की नहीं पूछी, तो भाई कोई ने ना पूछी, ए उनने शादी में आगे के इलाज नहीं पूछी, है फोन करो तो सर आओ एक बेर करके रह गए। तो भाई अगली बार 3 बेर कर देंगे, हाउ हमारे केवे से 3 बेर फोन करो पासे का, अब बताओ ऐसे कौन शरण दे। तुम कहो भैया आने हो तो आइयो, नहीं आने मत आइए जा छुट, अब रूठ गए अब फिर रूठ गए, हमारी कैसी कीमत नहीं बोले हम, तुम अपनी कीमत खुद नहीं कर रहे। अभी आएगा इसमें बहुत अच्छी रचना है, अहो देखने योग्य अहो निज ज्ञायक प्रभु देखो, मत देखो संयोगों को, काय देख रहे थे बहुत परेशान है जी, एक एक व्यक्ति के दुख है। असरण जग में शरण एक शुद्धातम ही भाई, ही कह रहे हैं शुद्धातम ही। और स्वामी जी होते थे प्रवचन करते थे, क्या करते एक घंटा प्रवचन करते ही, बोलो करो शुद्धातम ही माने पुण्य नहीं, जिस पुण्य को तुम बांधते हो स्वर्ग मिलता है वहां भी तकलीफ है, इनका सुख हमसे ज्यादा अच्छा है, हमसे अच्छी देवियां इनकी हैं, हमसे अच्छी रिद्धि इनकी हैं, हमसे बढ़िया विमान इनके हैं, हमसे ज्यादा पूछ परख इनकी है, बड़ी तकलीफ है खनिया थाना में, हमें तो कोई पता नहीं। एक बार कोई उद्घाटन होना था छात्रावास का, कश्यप का जो भी कोई छोटा मोटा उद्घाटन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी,
ऐसे तो अब सब आ गए, सबने हमसे कहा तुम करो, हम कि नहीं भाई सबके हाथ लगाओ। तो हमने कैंची से सबके हाथ लगवाए, कैंची सबके हाथ लगवाए। अब एक जने बिल्कुल सामने ही खड़े थे, उनसे ही नहीं कह पाए, वो सबसे लगवा दे दूर दूर खड़े उनसे लगवा दी, जिस सामने ही खड़े थे बे सो रहे थे हमसे कहेंगी, अरे अपने आप लगा दी थी जब हमने कह दी सब लगा दी। बस तो हमारे बगल में ही खड़े थे, हम तुमसे थोड़ी कहेंगे कि ले भाई तुम भी लगा। अब तुम एक घंटा तक इंतजार कर रहे हमसे कहें, हमने सबसे कह दी दूर दूर थे और सबसे कह दी, और सबने इन्हें लगाया नहीं। इतने रोए वे, इतने रोए, एक मिनट नहीं बीता हमसे अकेले में लड़ने ही आ गए। लड़ने मतलब बुजुर्ग थे हमसे, तो लड़ना भी क्या कहें, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि पंडित जी हमने कहा बिगाड़ो तुम्हारा, हमें कछु नहीं कहे, ठीक है हम गरीब आदमी हमारी इज्जत नहीं है, लेकिन हमें तुमसे तो आशा नहीं थी। मैंने बहुत सुनाई भी है 15 दिन, मैंने भगवान कसम जिनवाणी माता हमें तो कछु सपने में नहीं पता कि हम तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ है, तुम 20 विद्यार्थी यहां हो, 19 को माला पहना दो, एक को ना पहना पाए हो, एक को तिलक नहीं करवाए, अरे सब ओके, देखो हमें तिलक नहीं लगा, हमें पूछा ही नहीं, हमने तो भैया बचपन से त्याग कर रखा है, कहेगा दुखी होने का कि कोई बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, माला दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, नहीं दे फोटो नहीं खींचे तो ठीक। अब जितने हम बच रहे उतने ही ज्यादा फोटो खींच रहे, जितने बच रहे उतने ही ज्यादा परेशान, बे हो रहे परेशान, हम नहीं, हम तो हमें कोई मतलब, हम क्या करें। लेकिन समझ में आ गई, अशरण जग में शरण ही, तुम इनको 1 करोड़ दे दे, इन्हें दे दे, कोई को दे दे, नौकरी लगवा दो, सब कुछ करवा दो, फिर तुम दुखी हो गए, देखो हमने इनकी नौकरी लगवाई, हमने इनको भलो करा, इनने आप पूछी तक नहीं, कहा भाई ये तुमने ब्याह कर लो। एक बार झूठे कोई पूछ लेते, आपने देखा बुंदेलखंड में एक बार झूठे कोई पूछ ले, अरे हम तो सच्चे में ही पूछ ले, झूठ की क्या बात, लेकिन नहीं पूछ पाए तो कोई दिक्कत क्या है। हमारे घर में शादियां हुई 2-3, 2 शादियां कम से कम पता है, 2 शादियां हमें पता भी नहीं शादियां होगी, बहुएं भी आ गई पता ही नहीं, उन्होंने हमें बताई नहीं और हम पूछा नहीं, तो हमने जो नहीं कहा हमें नहीं पूछी, हम बड़े आते घर में, अरे अच्छी है ये निपट गए, तुम गिरवे की बात है ना पूछे सो ही अच्छी मैंने दुखी होना हो तो भयंकर बात है। आशरण जग में, सुनो मान कसाई की वजह से जीव आशरण होता है जग में, कोई शरण नहीं दे, करके देख ले, करके देख ले प्रैक्टिकल, सब पत्नी तो इज्जत करे, तब मांग के देख लो इज्जत नहीं करेगी, मत मांगो ना, मांगो का सुनो, पहले अपनी इज्जत करना सीखो कि तुम भगवान हो, पहले तुम अपनी इज्जत करना सीखो, असरी तत्व, ज्ञायक तत्व, परम प्रभु तत्व, पारिणामिक तत्व, अब तुम ही अपनी इज्जत नहीं करे, तुम्हारी इज्जत करे कौन, कौन करे, तुम पीछे ले जाओ, पीछे आगे मत बैठा करो बेटा, हमने पहले कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, पीछे बैठ जाओ, आगे दे। आई बात समझ में आई, शरण नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक बताओ, सारी दुनिया रुई का ढेर है और तुम कपड़ों में आग लगा के आओ, शरण दो शरण दो शरण दो, ये तो तुम आग लगा के पहले ही आए, रुई का ढेर यार कौन शरण देगा बता, ऐसे तुम कसाई की भट्टी में जल रहे, तुम्हें कौन शरण है। लेकिन एक शरण है, एक शुद्धातम ही भाई, ये एक शरण है। हमने पहली बार अशरण भावना सुनी थी, अशरण भावना तब पंडित जी के मुखारवि से पहली बार सुनी, तब समझ में आई, सुनो ये अशरण भावना है, एक शुद्धात्मा को छोड़कर के अशरण भावना है जी, समझ में आई कुछ। पंडित साहब ने इतने प्यारे प्यारे अर्थ किए,
एक तो ऐसा रोना है, अशरण है, कोई शरण नहीं है, कहा बताए, पैसा शरण नहीं, पत्नी शरण नहीं, बच्चा शरण नहीं, ये भैया कमा कमा के मर जाओ, को नहीं पूछा भैया, न दोस्त पूछा, सब स्वार्थ के रोज रहो रोज रहो। तो ये अशरण भावना नहीं है, ये तो द्वेष भावना है। अशरण भावना तो बड़ी अच्छी है, अशरण भावना तो पूज्य है। क्या कह रहे हैं, बारह भावना की पूजा होती है, जब मुनिराज की पूजा करते हैं ना तो बारह भावनाओं को अर्घ चढ़ाते हैं। तो अशरण भावना तो पूज्य है, और तुम रो रहे बैठ गए, कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं। सुनो अशरण का अर्थ सुनोगे, जिसे कभी शरण की जरूरत नहीं पड़ी। अशरण माने शरण की जरूरत नहीं है। बोलो शक्कर मीठी होने के लिए किसकी शरण में जाती है, सोना सोने पीला बने रहने के लिए किसकी शरण में जाता है, हीरा हीरा बने रहने के लिए कौन की शरण में जाता है, बोलो गेहूं गेहूं बने रहने के लिए किसकी शरण में जाता है, पूरा विश्व शरण है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें हमारे शरण की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे शरण की जरूरत नहीं, अरे हम सबको अनंत के शरण की जरूरत नहीं, सिद्धों के शरण की जरूरत नहीं। तो ये अशरण भावना तो पूज्य है। ले अपन अशरण भावना कैसे पढ़ते थे, सही है भैया, जगत में को नहीं पूछे, पैसा हो तो सब पूछे। ए सना तुम तो कह रहे पैसा हो तो शरण है, हम तो कह रहे पैसा होने पर अशरण है। कुछ अर्थ समझ में आ रहे, पैसा होने पर भी अशरण है, तुम कहा सोच रहे पैसा होने पर शरण है, मतलब कितना करोड़ रुपया हो कि कैंसर ना हुए, बोलो बोलो भाई कितना करोड़ रुपया हो सिर दर्द ना हो, बोलो बोलो भाई क्या राजीव गांधी भी कितना पैसा हो कि हारने का दर्द ना हो, बोलो कितना दुखी होगा कल्पना कर सकते हो, हारते से गुस्सा आई भयंकर, ले इस्तीफा नहीं चाहिए हमें, नहीं बनने राष्ट्राध्यक्ष, क्या इतनी सी पार्टी इतने से जीते, मैंने उसकी कल्पना नहीं कर सकते, भयंकर कैंसर का दर्द से भी बड़ा दर्द हो रहा होगा। पढ़ते हो तुम्हें लगता है हम राष्ट्रपति बन जाए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उनसे पूछो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्द, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सीएम नहीं बन पाते और पीएम बन नहीं पा रहे, जिताओ तुम और बनत कोई और, तुम बैठे रहो बस, कितनी पीड़ा होगी। चलो किसी को किसी की शरण की, बोलो तुम्हें किसी की शरण की जरूरत हो सुखी होने की। अशरण जग में बड़ी मस्त लाइन है, पंडित साहब की रचना बड़ी गरिष्ठ है ये, अशरण जग में शरण एक शुद्धातम ही भाई, एक शुद्धातम ही सब पूजा, पूजा भी शरण नहीं, पूजा करने से पुण्य हुआ वो पुण्य भी शरण नहीं, कि पुण्य होता से पैसा मिलेगा देवियां मिलेंगी वो भी शरण नहीं है। मैंने एक तरह से देखा तो किसी की जरूरत नहीं, तो आनंद आएगा तुम्हें। और जब तुम सब मना कर रहे और तुम भीख मांगते फिर दे, चक्रवर्ती और भिखारियों से कह रहा भैया हमें शरण दे, भैया अपनी झोपड़ी में सुला दे, भैया भोजन करा दो, भैया पानी भरा दो, तो कैसा लगेगा, तीन लोग का राजा ऐसे, तीन लोग का नाच पढ़ना भी कितने अच्छे अच्छे संत हैं, शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, शाश्वत सुख सागर देखो तो लहरावे, क्या कहा क्या बोल गए क्या बोले, शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, क्या बोला हमने क्या किया देखो देखो वो लहरावे, देखो तो लहरावे। अरे कहा सुखी होने के लिए कहां देखे, बोले बड़ी आशा से मोबाइल खोले, अरे यार कच्छ आज ऐसी पड़ेगी दिन में 10 बार देगा, जब जाने सुख सागर लहरा जाए। नहीं एक काम करो हम छूट दे रहे तुम्हें, तुम 24 घंटा मोबाइल देखियो कसम है, तुम देखना देखो लहराता है कि नहीं लहरा, यहां देखो तो लहरा रहे,
जिस ऐसी बात हो गई मिठास की आस आस नमक में हाथ डाल रहे। हम सोनगढ़ गए, सोनगढ़ पहली बार 16 साल की उम्र में गए सोनगढ़ सनस्ती में, तो फिर नमक को मीठू कहते हैं, मीठू अपन मीठू होने मीठा समझे, कभी मीठा होगा वह मीठू मीठू बोले परसने वाले, हमने सर मीठा होगा हम दे दी, तो उन्हें इतना सदा हमें इतना सो से कहा नोट दे दी बेचारा ने, हमें ये कोई कैसा आदमी है ढंग से तो दे अब अपन समझ रहे थे पूरा। अब जैसे अपने होते ना घी और रोटी में लगी हो गरम तो अपन पूरा से खा लो भर के, अब वहां तो नमक था बढ़िया भल्ला होगा नहीं अब बता तुम नमक से शक्कर की आशा से भल्ला तो अपन मुंह में हो फिर हमने कहा जी कैसा मीठ हुआ ये तो खारू है तुम नाम भी उल्टे बोलते हो। तो मेरे को कहा भैया गुजराती में नमक को मीठू बोलती है, ऐसे हम कर रहे अनाधिकार से सुख की आशा से मोबाइल टीवी इंटरनेट दोस्ती गाना एक जगह से अनंत सागर ले रहा है तो बता दे ना प्रैक्टिकल करके बता दे, बाद में सब दुखी है क्या बताएं गंदी लत पड़ गई, लत का भी पड़ गई तुम लत में लत मारो, लत समझ गया लत लात दे तुम मिला के कल रात को क्या कह रहा दृढ़ नव बाढ़ लगाए भाई एक काम का सच कह रहे हमें तो दया आती है इसलिए हम कह रहे डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, हिंसकता बढ़ रही है हिंसकता, मैंने आज तुम लोगों को देखकर तुम्हारी माँ को सुख होना चाहिए और तुम्हारी माँ को तुमसे सुख नहीं है, क्यों जब भी घर जाओगे चिट चाय जैसे लेट देख रहे हो अम्मा की तो कुछ कदर है ही नहीं, अम्मा ने कुछ कही बेटा तुम इतने दिन में घर आए थोड़ी अच्छे से बोलो हाँ अरे भाई मैं देखा था मम्मी से बात करो हंसो बोलो खेलो, माँ को भी ऐसा लगता है कि बेटा हमें याद करे मम्मी तुम्हारी बहुत याद आती थी, आजकल मोड़ा मोड़ी कहते ही नहीं कैसे तुम चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ हमें समय पर चाय देते छुट्टी, अभी मोबाइल में देखा देखा रोटी खा रहे या टीवी में देखा देखा रोटी खा रहे, अरे अम्मा तरस रही कि बच्चा एक बार बोले बेटा कहूं तो हमें प्रेम से देख ली तो ब्याह के बाद तो ऐसे ही नहीं देखोगी ये हो क्या रहे डिप्रेशन चिड़चिड़ाहट क्रोध सुना, यदि रिश्तों की सुगंध तुम नहीं फैला सकते तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी इसके लिए तैयार है, मैंने इतना बुरा माहौल है हम तो एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते, ये मिनट रेलगाड़ी में चार दोस्त बैठे बातें नहीं कर रहे, बाप लगा इसमें छोटा सा बच्चा उधर बैठा उस पर मोटरसाइकिल पर स्कूल का इंतजार हो रहा बस का वो इधर बैठा उल्लू जैसा वो देख रहा है इतना सा बैठा और पापा जी अभी वहां मिला फिर बिल्कुल रोबोट की तरह गाड़ी आ गई जैसे बक्सा फेंक रहे हो रेल में ले स्कूल जा, अरे क्या कर जाए फिर तुम बुढ़ापे में कहोगे बेटा हमें नहीं चाय था, वो चाहेगा कैसे तुमने चाय की परिभाषा ही खत्म कर दी, तुम उसके लिए प्यार नहीं दे सकते वो तुम्हें कैसे रिटर्न करेगा बता, बहुत तकलीफ बता रहा हूं ये तुम्हें, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं लगी इस समय इतनी तकलीफ है, एक व्यक्ति लिखा बहुत अच्छा लिखा है रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो उनकी रक्षा करो, बेशक बदबूदार पानी से प्यास नहीं बुझेगी गंदे पानी से प्यास नहीं बुझेगी लेकिन आग तो बुझेगी, आग बुझेगी, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी 10 साल नहीं बोले आखिरकार 3,500 करोड़ रुपए चुकाने के कार्य कहते 3,500 करोड़ तो अभी उसने बात नहीं करी, भैया मैं मार्गदर्शन दो आप बड़े भैया हो
मार्गदर्शन दो, हम फंस गए कैसे करें क्या करें, बात नहीं गई आगे। उसने 3,500 करोड़ चुकाए, तब उसने पहली बार दुनिया के सामने कहा थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। ये घटना समझ लो आप, कितना भी पैसा हो रिश्तों की जरूरत पड़ती है, भैया की जरूरत पड़ेगी। छोटों की रक्षा करो, बड़ों की रक्षा करो, माता पिता की रक्षा करो, माता पिता बच्चों की रक्षा करें, रक्षा करें मैंने प्रेम की। सही में बहुत बुरा लगता है देख कर, ये बात क्यों बढ़ा रही है, असरण जग में इतने गंदे असरण जग की रचना कर रहे हो, उसमें अपना पूरा टाइम झोंक रहे हो। हम तो इतनी सुंदर बात कह रहे, इस विश्व की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मुझे असरण हूं, असरण मैंने मुझे शरण की जरूरत नहीं। असरण मतलब हमें शरण की जरूरत ही नहीं है, हमें भगवान बनने में समर्थ है, हमें किसी की क्या जरूरत है ना। जिन्हें विश्व से कुछ नहीं चाहिए वे ही विश्व के लिए शरण है। आचार्य देव कुछ नहीं चाहते वे शरण है, अरंत भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहते वे तुम्हारे लिए शरण है, सिद्ध भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहते वे तुम्हें शरण है। बोलो भाई क्या पढ़ा, जग में शरणा धोए, जग में शरणा धोए शुद्धाता मरु, क्या जो तुमसे कुछ नहीं चाहते। अब गजब बात देखो, मोह उदय जी के वृथा, वृथा माने बिना बात, लेना एक न देना, हम इनकी शरण में नहीं जाएंगे। अनिल अंबानी बैंकों में जा सकता है हाथ जोड़ने, मैनेजर साहब विपदा है भारी मदद करो, थोड़ा 3,500 करोड़ दे दो, सबके हाथ जोड़ सकते, भैया के पास नहीं जाएंगे। ऐसे ही मोही जी शुद्धागम में नहीं जाएंगे, शुद्धागम का निर्णय नहीं करेंगे। और जो पंच परमेश्वरी से शरण बता रहे बेटे इतना सरल है, पर ऐसे चले जाओ अंदर, तुम ही तो भगवान हो, अंदर चले जाओ। लेकिन उसे जानने की शरण में नहीं जाएगा। मोह उदय जी के समझिए, जहां समस्या का समाधान है वहां नहीं पूछेंगे, और सब जगह चले जाएंगे। असरण जग में शरण एक सोधातम ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। आशा दुखदाई, पर दुखदाई नहीं लिखा, क्या कहे इसमें, पत्नी दुखदाई नहीं लिखी, पति दुखदाई नहीं लिखा, सास दुखदाई नहीं लिखा, तीन नाम इसलिए ले ली कि सबको पहले नंबर यही दुखदाई लगती है। लड़की ससुराल आने से पहले शादी होती नहीं भावनों में, अब तो नहीं रोती, पहले रोती थी ऐसे भावरे बढ़ती थी, उसी समय से रोना शुरू। जैसे KG1 के बच्चे को, LKG के बच्चे को स्कूल भिजवाओ ना, तो वह नाम लिखाओ, नाम आओ स्कूल जाने, रोना शुरू, बेटा 8 बजे बस आएगी, और रोना शुरू। ऐसे पहले महिलाएं रोती थी, लड़कियां रोती थी ससुराल जाने के नाम पे, काय उनके दिमाग में एक ही चीज पीड़ थी, सास दुखदाई। सारी जिंदगी वो सास के पास कैसे रहेंगी, वह बहुत टोकेगी, बहुत रोकेगी, बहुत डांटेगी, बहुत फटकारेगी, बिना पूछे खा नहीं पाएंगे तो घी कैसे खाएंगे, बिना पूछे नहीं खा पाएंगे तो दूध की मलाई तो कब मिलने ही नहीं, क्या मलाई महिलाएं तो खा ही नहीं सकती, आदमी खाए। अब सबसे पहली मलाई ससुर के पास जाएगी, फिर बचेगी तो पति के पास जाएगी, फिर बचेगी तो देवर के पास जाएगी, फिर बची तो सासू खाएगी, बेचारी बहू को नंबर तो जब सास बनेगी तब आएगा। तो रो थे बेचारी, रो थी, अब जा रहे जेल में पड़ रहे। चलिए सबसे पहले उसी के निषेध किया, उससे दुखी नहीं है, तो मैं मलाई की आशा है ना इससे दुखी से ना, उस मलाई का त्याग जो हमें दुखी करे, अब जाओ आराम से। पहले दिन से मलाई सबे परेशान लगो, सब देखेंगे अरे गजब हो गया भाई, क्या जो तो मलाई अपने लाने रखे नहीं, खुद के दूध में मलाई ले ही नहीं। फिर एक बार डरते डरते सास से पूछे ही लग, कहे तुम मलाई नहीं खाते, नहीं हमारा मलाई का त्याग है। बोले कहे जब मलाई की आशा ही तो दुख दे करके देखो। अच्छे प्रयोग जिस घर में सब मलाई के शौकीन हो उस दिन उस घर में लड़ाई ना हो तो कह दियो, चाहे 100 लीटर दूध आ जाए, 100 तो आ ही नहीं पाएगा, लेकिन 100 लीटर ही आ जाए तो अभी सब दुखी हो जाए,
जैसे कोई मलाई ले दस जने देख लो मलाई खींच रहे तो काय से दुखी हुए आशा पर की दुखदाई आशा से दुखी है जिन्हें कछूना चाहिए वे साहन के साथ चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह अच्छी समझ में आते हैं पाठ हम आ जाए हम यहां से मुझे चाय हो कहे जी बच्चे लोग हमारे पैर छू भी नहीं है और फलक कर भी नहीं है और इन्हें हमें पूछी नहीं इन्हें हमें पानी नहीं पूछा और कहे उद्घाटन में अपना नाम यहां से लग जाए और हमारा नाम यहां से लिखो जाए अब रोज रहो बैठे बैठे अभी कहीं वे तो सॉरी कह देंगे पंडित जी हम तो पहली बार बोले और कोई नहीं हमें नाम ही नहीं बताओ आपको वे तो रोग आके थस हो चले गए हम रोते ही रह रहे नहीं चाय दुखदाई कौन पकड़ में आया दो लाइनों में कितना लिख दिया बोलो धरो विवेक हृदय में विवेक रखो काय का विवेक रखो कि दुखी नहीं होना हो तो विवेक रखो काय कि चाह दुखदाई धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई पंडित साहब की एक रचना है संबोध नाष्टक उसमें आया है क्या है बहुत अच्छी पंक्ति है बढ़िया नहीं जरूरत भी तुमको बस अपनी ओर लिखो हुआ न होगा कोई सहाई झूठी आस तजो हुआ न होगा कोई सहाई झूठी आस तजो नहीं जरूरत भी तुमको बस अपनी ओर लगो तुम्हें जरूरत भी तो है नहीं क्यों समय दर्शन करने तुम्हें कौन की जरूरत है कोई जरूरत नहीं पैसा कमाने तो जरूरत पड़ेगी चलो अभी पढ़ाई कर लो है वो डिग्री चाहिए डिग्री के बाद कमाई होगी मैंने और कोई सामग्री चाहिए हो तो सहायता चाहिए घर चलाना हो तो पत्नी का सहयोग चाहिए फिर पति पत्नियों को बच्चों का सहयोग चाहिए साइकिल होती है साइकिल में क्या कहलाता है स्टैंड ना हो स्टैंड जिसके ऊपर खड़ी कर देते हैं स्टैंड होती है ना नहीं कैरियर ना स्टैंड जिसके ऊपर अपने अपने बल पर खड़ी रहती है फिर अब सोचो ये सम्यक दशा नहीं स्टैंड वाली साइकिल है अपने बल पर खड़ी हो जाती बाकी जितने तुम्हारे सुख है ना वे सब स्टैंड ही नहीं उनमें पति का सुख पत्नी के भरोसे पत्नी का सुख बच्चों के भरोसे बच्चों का सुख पैसा के भरोसे पैसा की पढ़ाई के भरोसे एक ऐसी साइकिल है एक साइकिल धड़ 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 सब गिर जाए जिस घर में पैसा नहीं होता उस घर में देखो रिश्ते कैसे होते सब गिरे पड़े अब पैसे ही नहीं है पत्नी तक प्रेम से नहीं कहती रोटी खा ले अब का खुआ दे तुम्हें कभी हो तो पैसा नहीं हो देखो रोटी खा सगे भैया शादी में नहीं बुला बस आ गए रोटी खा गए सगा भैया शादी में नहीं बुला पहुंच जाओ तो यहां से बोल देता कभी और काम करो पंगत की परसाई तो कोई और करा देगा कहे मुझे जो लगता जी इन्हें कभी खाई नहीं है तुझे सूते ही नहीं ये सुना टिफिन भर के ले जाए ये भगवान का जिनमें पैसा नहीं हो सोचो आशा पर की दुखदाई इतनी प्यारी प्यारी नहीं जरूरत भी तुमको बस अपनी ओर लगो अब नहीं समझ में आया तो पूछो कैसे लगे कैसे देखोगे अपनी आत्मा को बोलो सुखमय कैसे देखें कैसे समझें करेंगे उसकी चर्चा विवेक विवेक समझते हैं विवेक सच्चा निर्णय करना सम्यक निर्णय करना ये विवेक का काम है अविवेक होगा तो हो मंदिर मंदिर की बड़ी जी अविवेक पंडित जी अबे अबे हम बच्चा हैं कमाने खाने दे कहा तुम धर्म धर्म की बात लगा जी अविवेक है धर्म कब किया जाता है बुढ़ापे में जी अविवेक है ये होस्टल फेल क्यों हो जाते हैं होस्टल चलाते उनमें बार्टन लगा दो अपन सोचे शास्त्री इन्हें लगा दो अब भी कहो 8 बजे उठ के सो के उठन चाह रहे
अब उनसे रोज कहो मैंने उन्हें जगावे के लिए कोई चाहिए घड़ी से नहीं जगा। अरे यार नौकरी में बड़ी आफत है, सुबह 5 बजे उठो फिर सब बच्चों को जगा, फिर भी उठा नहीं तो उन्हें मारो भाई गाड़ी फेल हो गई। नौकरी मिलना सरल है, करना बहुत कठिन है। असरण जग में शरण क्या गजब है, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगर ऐसा बढ़िया सुधाता में तू आत्मा का आनंद लो, कोई चक्कर में नहीं पड़ना, ना कोई से पूछने ना कोई से कहना। रोटी खाना हो तो पूछना पड़ेगी और आत्मा में जाना हो तो कौन से पूछना पड़ेगी बोलो, ऐसा गजब है। विवेक समझ गए, अविवेक माने उल्टी मान्यता, उल्टी विचार, उल्टी सोच, कदम कदम। अभी सास पढ़वाई पढ़ रही, कभी और पढ़ेगी नहीं पढ़े तो कभी और पढ़वाई क्या पढ़ोगे बोलो, स्कूल को स्कूल भी पढ़ लो चल, तो स्कूल का अभी नहीं पढ़ते फिर जनों का क्या पढ़ने लगे। सोचना शांति से, सुख दुख कोई न बांट सके परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो सुख दुख। अब जी समझा दोनों ही बातें, सुख होगा ना उसे कोई नहीं बांटेगा, अतिथि आत्मा का सुख भोगो कौन बांटेगा बोले, केवल ज्ञान का सुख कौन बांटेगा बोले। तुमने पुण्य बांधा तुम्हारा पुण्य का उदय है, सुख कौन बांटेगा बोले। लेकिन ध्यान रखना यहां पुण्य के उदय का सुख की बात नहीं चल रही, क्यों पुण्य के उदय में तुम पैसा कमा के लाए थे 4 लोग खाएंगे तुम क्या दो पुण्य का उदय बांट लिया, यहां पुण्य का उदय नहीं सुख, सुख कौन बांटेगा। एक बात था यहां झाड़ू पोछा कर, अब झाड़ू पोछा करने में तुम सुखी भी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो, क्योंकि सुख तो तुम्हारे विवेक पर निर्णय करता है निर्भर करता है। हाँ हमारा धन्य भाग है, हमारा मां सौभाग्य है, अरे मंदिर में पोछा लगाने का अवसर कहां मिलता है भैया, धन्य हो गए हम। अब इस सुख को कौन बांटे, अब माने तुम दुखी हो, हमें नौकर समझ रखा है हम कह जाके ला जाए थे पता। देखो भाई एक बात कह रहे हैं, बच्चों को अपन सब कुछ सिखा रहे हैं, सुनना भाई जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं यहाँ के जो कार्य करता मतलब उनसे कह रहे हैं। अभी हम ऊपर गए थे तो जो दो भगवान है ना, दो भगवान इनके ऊपर दो शिखर है छोटी, उन पर ढेरों धूल। हमने चलो जे हमारी पूजा है ये कपड़ा देखे हम साफ करने लगे, एक भैया आ गए बट पंडित जी हम कर दे रहे, कर तो कोई बात नहीं। लेकिन पंडित साहब एक बात कह दी, हमारे हाथ में से काम लेके करना अलग बात है, समझ गए सारा बेटे कहीं जाओ बच्चों को ये देख ये सीखने को मिलना चाहिए। और दो मिनट लगी बेटा बोलो तुम्हें भागशाली कौन, पुण्य किसको बांधना है, स्वर किसको जान, पंडित जी हमको 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 जाओ दो बेटी सा। अरे बच्चे फट फटाफट अपने रुमाल निकाल के कागज झट सा, सुनो भाई ये बेदी की जाली स्टील की है इसे कौन साफ करेगा, सुनो ये पूजा की टेबल है इसके नीचे की वो अड़िया इसे कौन साफ करेगा, एक दिन में सीख गए बच्चे। फिर दूसरे दिन कोई एक बच्चा करते हुए जाए झट उसे गले लगा लो, झट उसके सिर पे हाथ रख दो, झट उसके पीठ पे हाथ फेर दो, साफ बस बिना सिखाए तुम करने लगे आज। दूसरे सब बच्चों के पीछे ताली भिजवा दो, देखो इस बच्चे ने आके अपने आप सोया आज ऐसा किया, देखो ऐसा ऐसा किया, गुड 10 का नोट इनाम दे दे। अब 100 बच्चों ने सीख लिया कि जब भी मंदिर में जाएंगे सफाई करें, समझ गए पंडित साहब क्या सिखाना चाह रहे संस्कार। अम्मा बीमार पड़ी उन्हें कोई मतलब नहीं, अम्मा खीर खीर खाई हुई भग ले, अम्मा बीमार ही पड़ी। हमारे देशवासियों में भैया वृत्ति नहीं सिखाएंगे तो फिर इनकी भी नहीं करेंगे। चलो कल तुम भी बीमार पड़े रहोगे, यही बच्चे आएंगे मम्मी पंडित जी बीमार रहेंगे हम तो आ गए आज पाठशाला नहीं लगी, बोलो फिर कैसा लगेगा। यही बच्चे कल समाज बन जाएंगे ये कल तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे, समझ गए होंगे सारे लोग। कहीं जाओ बेटे हमारा एक ही काम है, हम कहीं जाएं तीर्थों में भी जाते हैं तो हम जिनवाणी की सेवा करेंगे, अलमा हमारे संग जो रहते हैं उनसे पूछो, लोग राखियां बांधना जानते हैं बोलना नहीं जानते, मंदिर में जिधर देखो वहीं राखी बजी, चाहे वो क्या कहलाती हैंडल है जिनवाणी की
अलमारियों की, चाहे भगवान की हो, हैंडल हो उसकी, उस चार्जिंग इनमें बांध जाएंगे। भैया अपन बांधना तो जानते, निकालो 10-11 दिन में तुम खुद की खोल ले तो मंदिर की कोई खोलेगा? कि मंदिर की कोई है ही नहीं धरूगा कौन खोलेगा? हमें मतलब जी छोटी छोटी बात है जी, हमें सिखानी है प्रैक्टिकल। अब हम कर रहे थे जो हमने कर दी, कोई बात नहीं, अब हमेशा कर रहे थे, बढ़िया अच्छी बात है। अब चरण बेकार लग रहे हो, उनकी धूल चढ़ रही हो, जो बच्चे पहले आ गए अपन गए फटाफट, लो बेटे कपड़ा ला साफ कर दे, चलो बाकी लोग धोई दुपट्टा पहन के पूजा करेंगे। बाकी चार बच्चे रोज मंगलायतन में कैसे करते हैं? तुम थे मंगलायतन में? मंगलायतन में कोई नहीं पढ़े, तुम पढ़े मंगलायतन में कैसे करते हैं? कुछ लोग पूजा करते हैं संडे के दिन, कुछ लोग पूरे पर्वत की सफाई करते हैं, कुछ लोग मंदिर की सफाई करते हैं, कुछ बेदी की सफाई करते हैं, कुछ जिनवाणी करते हैं, 150 बच्चे सारा काम करते, अच्छा लगता है। आज मंगलायतन जाके देखो मेंटेनेंड है बिल्कुल, अच्छा लगता है। खैर ये तो बीच में अगली बात, हम तो इसलिए कह रहे थे ये झाड़ू पोछा करने में अपन सुख भोगेंगे तो उसे कौन बांटेगा, और दुखी होकर कर रहे सुनो अपना कर्म बांध रहे, फिर पाप को देने तुम्हें कोई नहीं पूछे, ये सोचो। जो तो ऐसी बात है भाई, दूध मीठा करने के लिए अपन नमक डाल रहे और फिर रो रहे पंडित जी हमारा तो दूध फट गया, कल सुबह कहा था ना फट रहा है दूध, दुखी क्यों हो? प्रश्न है दुखी क्यों हो? तुम लोगों को नौकरी चाहिए तो हमसे मिल लेना, हम दो गुण सिखा देंगे तुम्हें, नौकरी नहीं मिले तो कह देना, ना मिले तो कह देना, भले तुम थर्ड क्लास पास हो जाओ तो मिल जाएगी नौकरी, 90% से पास हो गए और दो गुण नहीं है नौकरी कभी नहीं मिलेगी, कहीं चले जाना कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान रखना योग्यता को नौकरी मिलती है, डिग्री को नहीं मिलती, हम कई बार कह चुके हैं बात, धरो विवेक, अजी है विवेक धरने की बात। हम का नौकर है, हम को भगवान की वेदी साफ करेंगे, हम का प्रतिमा साफ करेंगे, हम का धूल हटा भी आए, जिसे नौकरों का काम है। नहीं नहीं इस मामले में आप जतीश भाई जी सीखो, जतीश भाई जी कोई नहीं हो, 6.5 का प्रवचन माने प्रवचन, प्रवचन माने प्रवचन है, 6.5 माने 6.5, 6.25 माने 6.25। रात को 3 बजे जाती पंचकल्याणा के पंडाल से, 2 बजे जाती करत कैसे नहीं बैठे रहे, मैं बैठे रहे सारे कर्मचारी लगे, जिनवाणी लगाओ, थाली लगाओ, बैठक व्यवस्था की झाड़ू लगाओ पूरी, यहां से नहीं आज का पंडाल में कल पूजा हो जाए, हाँ पूरे पंडाल में झाड़ू लगेगी। अपन लोग तो गए 11-12 बजे कार्यक्रम पूरा हुआ और सोचा भैया जी जतीश भाई जी कब तक कार्यक्रम कराएंगे, इनसे 11:30 बज गए, अब हम कब जाके सोएंगे? इससे ना मैं रात को 2 बजे की जाती हूँ, पूरी झाड़ू लगती है, सामान हटता पूरा झाड़ू लगती है, फिर पूरी विषाद होगी, फिर बेंच लगेंगी, फिर थालियाँ रखाएंगी, पूजा किताब रखाएंगी, तब 6:15 पूजा होगी सुबह, फिर टाइम से पूरे प्रवचन होंगे। अपन लोग का कार्यक्रम पूरा हुआ निर्माण कल्याण भग लिया अपन तो, निर्माण कल्याण के बाद सब सामान ऐसे उठवा रहे रात रात दिन दिन बैठ के से ना, अब ऐसे व्यक्ति को कौन हटा सकता है इस विश्व में से? अब उनके पास काम करना इसीलिए कठिन है, क्या काम करना कठिन है कि जैसे भी 2 बजे जग रहे हैं तुम जगो, ऐसा तो हो नहीं सकत कि मालिक जगत रहे उससे तुम जाके सो जा, समझ आ रही बात? समझो सुख दुख कोई न बांट सके यार, परम सत्य जानो। एक बात सुन लो सभी लोग, बहुत काम की बात है। कह रहे महिलाएं क्या सोचती हैं, रो रो के किसी का दिल जीत लेंगी? कभी नहीं जीत सकती। कई बार महिलाएं देखा होगा घरों में, जब बच्चा नहीं सुना तो बेचारी रोन लगा, बेटा हम कहां मर जाएं, कहां चले जाएं, तुम्हें भी दया नहीं है, जा नहीं जरा मदद कर दें। सुबह से तुम्हारे पापा चिल्ला के चले गए, सास बोल नहीं रही 10 दिन से, हम कहां चले जाएं, कोई हमें प्रेम देने वालों नहीं, ये रोते। लेकिन ध्यान रखना, रोना दिल जीतने का या प्रेम पाने का तरीका नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे, सबके लिए कह रहे, आप छाती कूट करके किसी का दिल नहीं जीत पाओगे, बच्चों का तो विशेष करके नहीं जीत पाओगे, किसी का नहीं जीत पाओगे, तो फिर क्या करें? सुना पता है क्या तरीका है, जो तुम्हें दुखी करना चाहता उसके सामने खूब हंसाओ, हंस के रोटी खाओ,
हमारे पिताजी बहुत गुस्से थे, बहुत गुस्से। हमारी दादी ने हमारी मम्मी को सिखाई दिया बेटा जी तो रोजी चलेगी बात, वे नहीं बदलेंगे, अब नहीं बदलो तो क्या करें कि सुबह 9:30 में मंदिर से आओ और रोटी खाओ, गुस्सा नहीं करो, सुखिया से ही मत करो। हमारे घर में सबसे पहले बहू को रोटी खिलाई जाती थी, मतलब हमारी सास दादी पहले मम्मी को रोटी खिला देती थी, आओ बेटा भर पेट रोटी खाओ, गुस्सा फेंक दी छुट्टी कर। और इनके चक्कर में रोज रहो तो गोद में बच्चा है, घर में 10 काम है, रोगे सिर दुखेगा, बीमार हो गए और फिर दिन भर पड़े रहोगे बिस्तर पर, रोत रहे हो पति नहीं आ जाए, समझ गए। पहली जो तुम्हें दुखी करना चाहता है उसकी बिल्कुल परवाह मत कर, हंस के खाओ, हंस के भक्ति करो, हंस के खेलो, हंस के स्वाध्याय करो, मस्त रहो। तुम्हें पता है चिढ़ाने वाला कब सुखी होता है, जब तुम दुखी होती हो तो चिढ़ाने वाले को दुखी करो, कैसे दुखी करोगे बोलो, चिढ़ाने वाले को दुखी करो कैसे करोगे, जब ये चिढ़ाए अच्छा क्या हो गया, अंगूठा दुख रहा है, आंख चमका वही आंख में कैसे कीड़ा घुस गया, जीभ चिढ़ाई कहा जीभ में चला ना तुरे घी लगा दे, मन मस्त रहा, चिढ़ाने वाला शांत हो जाएगा तेरा। सुख दुख क्यों तुम अंदर अंदर क्लेश करते रहे 24 घंटे, शायद कोई हम पर राहत करेगा, कोई कृपा करेगा, कोई करुणा करेगा, उन्होंने करी नहीं, अपन 24 घंटे दुखी रहे। इस मामले में बहुत सुखी हूं, मुझसे पता नहीं भगवान जाने, मैं तो बहुत सुखी हूं। अब अकेले में कभी दुखी नहीं देखोगे, उन्होंने हमारे पास रोना रखा जी ऐसे कर रहे हैं, तुम्हें जो देखे तो करो, आना आओ जाना है जाओ, हम तो मजे करेंगे, क्यों रोने के लिए नहीं जन्मे हो, रोना मिटाने के लिए जन्मे। कुछ समझ में आया प्रोजन, तुम बहुत काम कर रहे हो 12 घंटा, समझ लो 12 घंटा मेहनत कर रहे हो तो एक बात का दुख हो सकता है, देखो हम 12 घंटा काम करा और जाते समय 2000 रुपये बगड़ा था बस, इसे तो मजदूर अच्छे, अपन 200 रुपया मजदूर बन के रह गए, देखो जा कीमत है। अच्छा 10 दिन तक तुम रोते रहे, इसे कौन बांट ले, ना 2000 रुपया 10000 से हम कोई मतलब नहीं, दृष्टांत है, लेकिन तुम इस आशा से काम कर रहे हो तुम दुखी हो। सुनो तुम 3 लोग की भक्ति कर रहे थे भगवान की, जैन शासन फैलाना माने भक्ति है, बच्चों की पाठशाला देना भक्ति है, जैन शासन को आगे बढ़ाना ध्वजा फैलाना ये भक्ति है, काम करना भक्ति है। अब तुम भक्ति का सुख भोगे तो कौन बांटेगा, कहानियां पढ़ना, लघु बोध कथाएं हैं बहुत अच्छी। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, एक मजदूर बीड़ी पी रहा और चिल्ला चमट कर रहा, बस 30 रुपये बगड़ा रहे, इतनी गर्मी पड़ रही, मर जाए क्या करें, हे भगवान हम मजदूर हैं, हे भगवान हम मजदूर हैं, भगवान दया करो, मंदिर बन रहा है। और दूसरा व्यक्ति बड़े खुशी से, बहुत खुशी से, वो भी 300 ही मिल रहा है, वो बड़ा खुशी से, क्या भाई तुम बीड़ी पी ले, भाई भाई जी मंदिर बन रहा है, मंदिर बीड़ी नहीं पी जाए, झट दूर जाके बीड़ी पिया है, अब जी भक्ति है उसकी, अरे हमारा सौभाग्य है जब इस मंदिर को हम हमेशा देखेंगे हमें बड़ा आनंद आएगा, आज मंदिर की ईंट हमने रखी, जे दरवाजा हमने सेट किया, जे पानी हमने सींचा, वो क्षण क्षण में भक्ति करता है। सुनो एक का सुख कौन ने बांट लिया और एक का दुख किसने बांट लिया, वो 300 रुपये रोज में 10 साल तक मंदिर बनाता रहा और रोज दुखी रहा, वो 300 रुपये रोज में रोज मंदिर बनाता रहा और रोज भक्ति करता रहा, वो रोज कहता रहा हे भगवान तुम्हें दया नहीं है, और वो कह रहा है हे भगवान यही तो आपकी परम कृपा है कि मुझे मेरा भाग्य जो मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल रहा। समझ में क्या कार्यकार चल रहे, सुख दो कोई नहीं बांटेगा, पूजा करते करते सुखी रहो तो कौन नहीं बांट लेगा, और पूजा करते करते दुखी रहो कहा बताए, इन्हें प्रतिज्ञा दिलवा रही अब हम फंस गए, बाद इनसे पूजा करने पड़ रही, और जे तो बात नहीं है बड़ी, जे तो अध्यक्ष जी का आगू आएंगे, अब हमें पानी भर रहे हमें गर्व दो रहे, समझ गए। आप कभी उज्जैन जाना, उज्जैन विमल दादा झांजी जी पानी भरते हुए मिल जाए आज भी तो उनके चेहरे की आभा देखना, द्रव धोते हुए मिल जाए तो उनके चेहरे की आभा देखना, आज तक उस मंडी की चिमंदिन मंडी की आज तक पुजारी नहीं रखा, उन्होंने पुजारी नहीं रखा, छोटे भाई उनके सुकुमार झांजी छोटे हैं,
इतनी भक्ति रखते हैं अपने बड़े भाई के प्रति, माने विमल दादा झांझ जी के प्रति इतनी भक्ति रखते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। एक एक घर में एक भाई रोज रह रहे इतने बरसों से, 55-60 साल के हो गए वो सुकुमार, इतनी भक्ति रखते हैं बड़े भैया की जैसे लक्ष्मण राम की रखते हैं। जाके देखो भी सुबह उठते से जल्दी से कुआं इसलिए चले जाते हैं कि नहीं तो बड़े दादा चले जाएंगे, सब काम छोड़ के सबसे पहले कुआं जाते हैं ताकि बड़े दादा ना चले जाएं। और बड़े दादा जैसे चले जाएंगे उस दिन वो भाग मान रहे हम धन्य हो गए, अपने हाथों से द्रव धो रहे पूजा कर रहे। हम कहना ये चाह रहे सुख और दुख कौन ने बांट लिया। अब हम आज हैं जो देवनगर को मंदिर हम ही नहीं देखे सब, ये सब भगवान ऐसे डरे रहे, हे भगवान ऐसे परे रहे, बस एक लो धूल खा रही और हम ही हैं, हमें तो लग रही हम मर जाए फिर क्या हो गया, ये तो आज नहीं है वे तो आज। अरे तुम 10-20-30 साल तक पूजा करते रहे और रोते रहे, जिस दुख को कौन बांट लेगा। कुछ समझ में क्या कह रहे, दुनिया में कोई सा भी काम करने को मिले अपना सौभाग्य समझ करके निर्जरा करो। कुछ कहा मैंने, क्या कहो, निर्जरा करो, निर्जरा निर्जरा करो, नहीं तो आश्रम कर रहे। बोलो आश्रम करना कि निर्जरा करना। तुम्हें ऐसा लग रहा हो पंडित जी बड़ी बड़ी बात है मार रहे धरती पे बैठकर, तो हमारे संग रह के देखो, हमारे संग आने वाले ढंग से लेटरिन पानी डालते तो हम डालते, लेटरिन में पांव डालना पड़े ब्रश नहीं तो पांव डाल के साफ करती। पूछो अभी हम छोड़ के आए सूरत या कहीं भी साफ सफाई का मेंटेनेंस करके आए, नौकर आके नहीं देखे कैसे पंडित जी है घिना, इनके पंडित जी हैं जी, ऐसे लेटरिन बिगाड़ गए, ऐसे बाथरूम बिगाड़ गए, देखो कैसे बर्तन पड़े, सारी पॉलिथीन एक पॉलिथीन पैक करके आए। आने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कैसे पॉलिथीन बिखर रही पूरे, कचरा बिखरा पड़ा है, झाड़ू पहुंचा करके आए। पूछो हमारे संग रहने वाले, मैंने ये नहीं समझना, हमें गांधी जी की याद आती है, गांधी जी के पास आश्रम बनाया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, पहला आश्रम वहीं बनाया था अफ्रीका में, सो बना लिया। अब उनकी पत्नी तो पत्नी है, उन्हें तो ये लगता है मैं लीडर की पत्नी हूँ, अध्यक्ष की पत्नी हूँ, तो मुझे तो मैं तो महारानी हूँ। सुबह सुबह उन्होंने कहा गांधी जी ने, ये लो झाड़ू और डलकिया और हरिजन बस्ती में जाके लेटरिन साफ करो। तो कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो हमारी पत्नी है, हमका स्वीपर है, हम क्यों साफ करें। बोले वो तो साफ करना पड़ेगा, आश्रम का नियम है, हम भी करेंगे तुम भी करो, जितने लोग रहेंगे सबको साफ करना पड़ेगी लेटरिन हरिजन बस्ती की। बोले नहीं हम तो नहीं करेंगे, मेरी पत्नी होती ना तो पत्नी अपने राइट्स है, हम तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो निकल जाएगा हमेशा के लिए, चले जा छोड़ के, इस केस चले जा, धक्का दे के निकाल दिया। कस्तूरबा को वो कपड़े की गठरिया उठाई ऐसा पटक दी फेंक दी, हड़प निकल जाएंगे यहां से, नहीं रहना हमारे पास। फिर रोने लगी, कैसे हो तुम, हम कहां चले जाए अफ्रीका में, तुम्हें शर्म नहीं आती पत्नी को निकाल देंगे, शर्म वरम से कोई मतलब नहीं, साफ करना पड़ेगी, आखिर अगले दिन से सफाई करनी। महापुरुष ऐसे बनते बेटे, कंफर्ट जोन होता ना, कंफर्ट जोन माने सुविधा भोग, इससे कभी आप नहीं बन पाओगे, दुखी बने रहोगे दुखी। हम तो मैं सही बताऊं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा कि नहीं, आपके 24 घंटे दुखी हो इसे कौन बांट दे। और वो ही काम कर्तव्य समझ के करो, प्रसन्नता से करो, भक्ति समझ के करो, बहुत आनंद आएगा। अजय बताओ हमें कौन कह रहा है कि साल भर प्रचार करो 18 दिन के शिविर का, हमें कौन कह रहा है शिविर में दान दो। हम क्यों कह रहे हैं भैया शिविर के लिए भिंड शिविर के लिए पैसा दो, क्यों लाते हैं पैसा, हम तो नहीं सोचते हमें कहाँ मिल रहा, हमें कहाँ मिल जाए जाने, हमें कोई कहा दे देगा, हमारी क्या इज्जत है। अरे हम साल भर आनंद भोग रहे भाई को बांटे हो, जैन साधन फैलाने का भाग्य भाग्य अपन ने मिला, इसका इसका सुख कौन बांटे। अब समझ रहे सुख दुख बांट ना सके कोई, परम सत्य जानो, परम सत्य समझ में आ गई हो तो ठीक है। हमने तो एक ही बात को 10 बार कह दी, इतनी देर में एक बात को 10 बार कह दी और फिर भी कह दे रहे, रोना रोने वाला कभी सुखी नहीं होता। अब हम इस महाराज पड़ गए, शास्त्री हो गए, अब कहाँ मिल गए, अब को नौकरी कौन दे दे, अब हम कहाँ चले जाए, अब 25 जाएगी नौकरी मिली बता, रोते रहो।
50 की मिल जाए तो भी रोगे, 80 की मिल जाए तो भी रोगे, 1,00,000 की मिल जाए तो भी रोगे। पंडित स्वामी बहुत अच्छी बात कही, उसे कह के अपन विराम ले रहे, रोना धोना सीखो। क्या होता है इसका, क्या अर्थ हुआ इसका, रोना धोना सीखो। अरे बोलो, रोने के कारणों को धोना सीखो। नहीं समझ रहे, अच्छे से कह दे, फिर से समझो, रोना नहीं धोना सीखो। बाद बाद में अब हम मरे जा रहे, अभी इतनी गर्मी पड़ी तो क्या करें फिर। अब मुझे बहुत बुरी लगती है सिर्फ, मैं इन चक्करों नहीं पड़ता। लोग रोज बोलेंगे आज गर्मी ज्यादा है, आज पानी बरस लो, अब हम फोन आओ वो पानी बरस लो, तो फिर हम क्या करें, बरस गए तो दिल्ली में 48 होगा तो आप क्या करें, अपन क्या करें। तुमने एक सेंटेंस भी फालतू क्यों बोला, आपने पढ़ा है अनर्दंड, क्या क्या फायदा होगा, गर्मी ज्यादा है, पहले से कम है, कल से ज्यादा है, तलघर में कम है। अरे कसाई में भट्टी में जल रहे हैं, तलघर में कुछ नहीं है। हम एक बात कह रहे, तलघर में ठंडक है, मजा तो जवाए, वहां माला फेरो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, चिंतन करो, सुविधा मिल गई वही को सदुपयोग कर ले, चौड़े होकर सो गए। फिर ज्यादा हो तो मोबाइल में लग गए, फिर चार लड़का बैठ गए गपेट होकर लगे। ये तो सुविधाओं से तुम नरक जा रहे हो। सुनो, आत्मकल्याण के लिए सुविधा भी ले लो, कोई बता, इतनी सुविधा का दुरुपयोग तो मत कर। काय कार चल रहे हैं समझ रहे हो, रोना सीख रहे हो जी, कह रहे हैं हम जहां नहीं मिलेगा हम नहीं आएंगे अगली बार। तो सुनो, तुम पंखा कूलर पंखा के लाए भेज दे, जैन शासन फैलाने नहीं गए। अब बहुत टाइम हो गया, ज्यादा ही हो गया, मैं सोचता नहीं इतना, लेकिन वो निकलते ही जाता है वो। अब अप्रैल मई में चुनाव हुए, गर्मी तो थी ना अप्रैल मई में, नहीं थी अप्रैल मई में गर्मी नहीं थी, कितनी गर्मी थी। और राहुल गांधी 18-18 घंटा दौड़ रहा था, प्रियंका गांधी दौड़ रही थी, कहीं से कूलर लेके दौड़ रहे थे सड़क पर। जब रोड शो कर रहे थे, रोड शो दोपहर में कर रहे थे रोड शो, और कितनी ताकत लगा रहा था, नरेंद्र मोदी चोर पहरेदार चोर पहरेदार चोर, राफेल डी गला नहीं सूख रहा हुआ उसका। मैंने जितने जो नेता थे सर, सब पैसा वाले ही मान लिया। वो कौन है वो तुम्हारा, कोई हीरो है ना जो दक्षिण का, चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रशेखर मैंने कहा नाम है, अच्छी नाम है, चंद्रबाबू नायडू है, कौन है, नहीं नहीं वो उधर चुनाव में पुराना है तब तुम चले हो रही नहीं कहा। और चुनाव में दौड़ते फिर रहे, कहा लाइक दौड़े फिर रहे, हेमा मालिनी चुनाव मथुरा में लड़ने थे, कैसे दौड़े फिर रही थी, कैसे दौड़ेगी, कोई कूलर पंखा में बैठी थी क्या, जगह जगह बांसर देख फिर रही जी। हमारा मतलब ये है, हमारा मतलब ये है, रोना मसी है, उन्हें चुनाव जीतना है ना, लक्ष्य बन गया, रोया नहीं कोई, ये कह रहे रोए नहीं। ऐसे में जिन शासन फैलाना है भाई, पंडित साहब की भावना को समझना है, एक दो बातें बताई हैं जरूर ध्यान रखना बेटे, फिर देखो तुम्हारी कीमत ना हो ना, तुम्हारा गांव स्तुति करे तो कह देना, अरे भाई ये बहुत बढ़िया पंडित जी, इतने इतने से देखो मंदिर में इधर उधर वो पड़ा था अंगोछा, उठा के रख दिया, थला वहां रख दिया, बस फर्नीचर साफ कर दिया, और देखो बेड़ी कैसे चमक गई आज, और झट दोपहर भैया एक काम कर रीठा लिया आज भगवान का मंजन कर, भगवान चमक गए, बच्चों ने भी सीख लिया और तुम्हारी भक्ति हो गई और सारे गांव ने तारीफ करी। एक बच्चा था छोटा, मंगलायतन में पढ़ता था, हमारे खनिया थाना का था, नाम तो हमें भी याद नहीं, शुभम था शायद, बहुत छोटा था वो, छिकना था, जिस गांव से वो चला 10 शिविर करने के बाद 8 दिन बाद पूरी समाज रो रही थी, इतना सा था छिकना था और सारी समाज रो रही थी, बेटा धन्य तुम्हारी माता को, इतने से बेटा ने ऐसी पूजा कराई, ऐसे प्रवचन करी, ऐसे पाठशाला ली, ऐसे तारीफ कर रहे थे, समझिए बेटी, इन गुणों से आपकी नौकरी न लगे तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे स्वामी बन जाओगी, नौकरी तो गंदी बात है, नौकरी तो आप ढारे मिल जाए बोनस में मिल जाएगी,
तीन लोग के नाथ बन जाओ इन गुणों से। तो पंडित साहब की भावना समझो और इन बातों को आगे बढ़ा। ओम नमः।